हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर का स्टडी करेंगे। ये तीन वर्ड्स जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ व्हेन एंड वेयर, ये बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इनका हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इन वर्ड्स के हेल्प से हम लोग पास्ट इवेंट, जो कि हिस्ट्री में हम लोग पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इन तीन वर्ड के हेल्प से हिस्ट्री के पास्ट इवेंट के बारे में बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे व्हेन का यूज करके हम किसी पास्ट इवेंट के घटित होने के टाइम के बारे में पूछ सकते हैं, वेयर का यूज करके किसी पास्ट इवेंट के घटित होने के लोकेशन या प्लेस के बारे में जान सकते हैं, हाउ का यूज करके हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, उसका रीजन जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज थ्री वर्ड्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, यानी डेट्स कितनी महत्वपूर्ण होती है, हिस्ट्री में डेट्स का क्या महत्व है। एक टाइम पीरियड ऐसा भी था जब हिस्टोरियंस आप लोग जानते ही हैं कि पर्सन हु राइट्स एंड स्टडीज अबाउट पास्ट इवेंट, तो ऐसे लोगों को हिस्टोरियंस कहा जाता है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा भी था जब हिस्टोरियंस डेट्स के प्रति तारीखों के प्रति बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, यानी तारीखों से उनका एक गहरा लगाव था, एक गहरा आकर्षण था उनमें तारीखों के प्रति, क्योंकि ये अर्ली हिस्टोरियंस कुछ बिग इवेंट्स को, कुछ बड़ी घटनाओं को सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट मानते थे। जैसे कि व्हेन समवन बिकेम ए किंग, व्हेन ए बैटल वॉज फॉट, और इन घटनाओं के एग्जैक्ट डेट सेलेक्शन को लेकर इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा हीटेड डिबेट्स होता था, गर्मा गर्म बहस होती थी, तीखी बहस होती थी। और ये लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे डेट्स को हिस्ट्री में कि एक तरह से हिस्ट्री में के बुक में डेट्स की भरमार हो जाती थी और लोगों में एक कॉमन परसेप्शन बन गई थी कि हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स। और आजकल भी, आज के समय में भी आपने अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, मोनोटोनस सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस तरह का परसेप्शन, इस तरह की धारणा सही है। तो इसका आंसर है कि इस तरह की धारणा, इस तरह का कंसेप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेवन्थ क्लास में आपने मुगल्स के बारे में पढ़ा, मुगल्स के बारे में आपने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि मुगल्स का टाइम पीरियड इंडिया में कब से कब तक रहा, बल्कि उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे कि मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था उनका, उस समय कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे, किन किन बिल्डिंग्स का उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया,
कौन-कौन से बैटल्स लड़े, इसके अलावे किन किंग्स को, किन राज्यों को उन्होंने हराया, जीता, इसके अलावे उस समय टैक्सेशंस के क्या रूल्स थे, तो बहुत सारी चीज़ों को हमने उस चैप्टर में देखा। यानी हम कह सकते हैं कि डेट्स आर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, बट हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स। बच्चों, हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली समय के साथ हुए परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में चीज़ें कैसी थीं और प्रेजेंट में उनमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। यानी हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने में हमें समय का जिक्र करना पड़ता है, समय की चर्चा करनी पड़ती है। और जब हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे तो दो वर्ड्स का यूज़ नॉर्मली होता है, बिफोर एंड आफ्टर। बच्चों, आज के डेली लाइफ में आपका हमारा जो डेली लाइफ में है वो बहुत सारे बदलावों से, ऐसे बदलावों से भरा पड़ा है, लेकिन हम उनके बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं करते हैं। उसको ये मानकर चलते हैं कि ये चीज़ें हमेशा से ऐसी ही थी। जैसे इस बात को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप रोड साइड टी स्टॉल पर लोगों को चाय पीते हुए देखते हैं, तो आप मान लेते हैं कि ये चाय पीने की आदत हमेशा से ही हमारे सोसाइटी में है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, तो आप इनके बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि आखिर इंडियंस को, यानी या लोगों को चाय पीने की आदत या कॉफ़ी पीने की आदत कब लगी। भारत में ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में टी प्लांटेशन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। तो ये सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे यदि आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब रेलवे नहीं थी तो लोग लंबी दूरी कैसे ट्रेवल कर पाते थे, या रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो ये सब हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपके मन में ये बात भी आ सकती है कि जब न्यूज़पेपर नहीं हुआ करता था तो लोग इतनी सारी जानकारी कैसे प्राप्त कर पाते थे। तो ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं कि ये चीज़ें हमेशा से ऐसी ही हैं। बच्चों, इस प्रकार के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और लेकिन इनका आंसर हम किसी पर्टिकुलर डेट या एग्जैक्ट डेट से हमेशा नहीं दे सकते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि भारत के लोगों को चाय पीने की आदत कब लगी, तो ये किसी पर्टिकुलर डेट को ये आदत नहीं लगी थी, बल्कि चाय पीने की जो लत है, जो आदत है लोगों को, वो एक लंबी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो कि काफ़ी समय तक चला और फिर धीरे धीरे लोगों को चाय पीने की आदत हो गई, लोग चाय पीने लगे। तो इसको हम एक एग्जैक्ट डेट से मेंशन नहीं कर सकते हैं, एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें स्पेन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का सहारा लेना होगा कि एक लंबे समयावधि के बाद, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये प्रक्रिया चलती रही और फिर धीरे धीरे लोगों को ऐसी आदत लगी। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स इसको हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश का शासन भारत में कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इसका भी कोई एक पर्टिकुलर डेट
नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश एज ए ट्रेडर भारत आए। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया, और पहली बार इन्होंने बंगाल प्रोविंस को जीता, वहाँ अपना रूल एस्टेब्लिश किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने दूसरे प्रिंसली एस्टेट को जीतना शुरू किया, उसको अपने मिलाना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे भारत पर इनका शासन एस्टेब्लिश हो गया। तो ये प्रक्रिया भी एक लंबे समय अवधि के बाद हमें देखने को मिलता है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये विजिबल होता है। तो इसको हम एक एग्जैक्ट डेट से मेंशन नहीं कर सकते हैं कि ये फलाने डेट को या किसी एक पर्टिकुलर डेट को ब्रिटिश का शासन भारत में इस्टेब्लिश हो गया। उसी तरह जब हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो उसको भी हम किसी पर्टिकुलर डेट से जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों कि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, और इसको भी बताने के लिए, इसको भी जानने के लिए हमें एक पीरियड ऑफ टाइम का सहारा लेना होगा, एक स्पेन ऑफ टाइम का सहारा लेना होगा। लेकिन फिर हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि फिर इतनी सारी डेट्स क्यों हैं हिस्ट्री में? आप कोई भी हिस्ट्री की बुक खोलकर देख लीजिए, आपको बहुत सारे डेट्स आज भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस एसोसिएशन का क्या कारण है, क्यों इतने सारे डेट्स को शामिल किया गया है? तो बच्चों, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे हैं जिसको पर्टिकुलर या एग्जैक्ट डेट से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि ऑन विच डेट ए किंग वॉज क्राउन्ड, इन विच ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर एक पर्टिकुलर डेट के द्वारा, एक पर्टिकुलर टाइम के द्वारा हम लोग दे सकते हैं, और इस कारण से आज भी हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हमें देखने को मिलती है, और इसी कारण से आज भी डेट्स का इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में बना हुआ है। लेकिन बच्चों, एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स का ही इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जैसे कि 6th क्लास 7th क्लास का हिस्ट्री आपने पढ़ा, उसमें आपने एक हिस्ट्री को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप एंड मार्केट्स केम अप, हाउ किंगडम्स वर फॉर्मड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, यानी बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। इस बच्चों, अब हम इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पर दी गई है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ब्राह्मण्स ब्रिटेनिया को कुछ शास्त्र यानी रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो इंडियन रिलीजियस स्क्रिप्चर है, वो भेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये फिगर एक ब्रिटिश ज्योग्राफर एंड कार्टोग्राफर जेम्स रेनेल के द्वारा बनाया गया इंडिया के मैप का फ्रंटिसपीस है। फ्रंटिसपीस मींस, फ्रंटिसपीस का मतलब होता है कवर पेज पे जो फिगर बना हुआ होता है, उसी को हम लोग फ्रंटिसपीस कहते हैं। इस फिगर में आप, और जेम्स रेनेल को ये फिगर बनाने के लिए ये भार दिया था बंगाल के फर्स्ट जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने। तो इस फ्रंटिसपीस में आप देख सकते हैं कि कुछ इंडियंस, जो कि देखने से ही पता चल जाता है टिपिकल इंडियन ड्रेस में है, वो एक महिला, एक वुमन को, जो जिसके हाथ में कि एक बड़ा सा स्पीयर है, आप देख सकते हैं ये स्पीयर है इसके हाथ में, और ये जो टिपिकल इंडियन ड्रेस में कुछ भारतीय लोग, इनको एक
बुक दे रहे हैं। तो ये जो आप वुमन देख रहे हैं इसमें, ये एक्चुअल में फीमेल पर्सनिफिकेशन है ब्रिटिश एम्पायर का। जिस तरह हम लोग इंडिया का को भी फीमेल के रूप में पर्सनिफाई करते हैं, भारत माता, उसी तरह ये ब्रिटिश एम्पायर का फीमेल पर्सनिफिकेशन है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रिटेनिया। और एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सिंबल ऑफ पावर है ब्रिटिश का। तो इसमें जेम्स रेनेल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह भारतीय ब्राह्मण्स ब्रिटेनिया को अपना रिलीजियस स्क्रिप्चर शास्त्र भेंट कर रहे हैं, और मानो उनसे कह रहे हो कि अब आप ही इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर हो। यानी इसमें साफ झलक रहा है कि ब्रिटिश अपना सो कॉल्ड सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।